भाभी जी, मेरी तो एक हफ्ते से बात ही नहीं उससे, लेकिन अचानक वो गायब कहाँ हो गया? भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? अरे आप परेशान मत हो भाभी, मैं आता हूँ। क्या हो गया, सब ठीक है ना? रीना भाभी का फोन था, कल रात से प्रकाश घर नहीं आया, बेचारी बड़ी टेंशन में, मैं जरा देख के आया। हाँ आप जाओ। अरे चिंता मत करो भाभी, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। आप कुछ करो ना प्लीज, पता लगाओ। अच्छा मैं भी अभी वहीं पहुंच रहा हूँ। सोनो नीचे आके दुकान संभालियो बेटा। भाभी हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा। इंस्पेक्टर साहब सबसे पता कर लिया है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। कोई बात नहीं मैडम, आप टेंशन मत लो, मैं अभी सब उगलवाता हूँ इससे। क्यों बे, कल रात आखिरी बार तेरे साथ देखा गया था प्रकाश को, सच सच बताओ कहाँ छुपा के रखा उसे? इंस्पेक्टर साहब मैं आपको सब कुछ बता तो चुका हूँ, कल रात प्रकाश का और मेरा पार्टी का प्लान बना, मैं तो एक दो पैक का मेहमान हूँ, लेकिन उसका इरादा पूरी रात बैठने का था। मैंने अपना कोटा पूरा किया और मैं वहाँ से चला गया। सर उसके बाद वो बैठा रहा या फिर कहाँ चला गया ये मुझे नहीं पता। और भाभी जी आप तो जानती हैं, दो धेले का आदमी नहीं है वो, मैं उसे गायब क्यों करूँगा? सर यहाँ ऑफिस में मेरी बड़ी इज्जत है, सब लोग देख रहे हैं, क्या इमेज रह जाएगी मेरी? लेकिन हेलो प्रकाश मैडम, स्पीकर पे लगाइए। कहाँ हो? अरे इतने फोन मिलाए मैंने तुम्हें, फोन भी नहीं उठा रहे हो, रो रो के बुरा हाल हो गया है मेरा। अरे फालतू की बातें मत कर, है कहाँ तू? इतनी देर से मैं धूप में खड़ा हूँ, पूरा शरीर दुख रहा है मेरा, भूख लग रही है, वो अलग, आ जल्दी। अबे साले तेरे चक्कर में नाश्ता छोड़ के आया हूँ? मैं दुकान पे कस्टमर छोड़ के आया हूँ। अरे मेरी आते मुंह में आ गई, तुझे ढूंढते ढूंढते अबे मेरी तो नौकरी और वारंट दोनों निकलने वाली थी। सीधे सीधे बता कहाँ था, नहीं तो साले थाने में ले जाकर पट्टा बजाऊंगा तुझ पे। अरे दरोगा जी मैं सच बता रहा हूँ दरोगा जी, ये अशोक के जाने के बाद ना मैं उठने वाला था, हाँ कसम से, लेकिन फिर मेरा एक क्वार्टर पीने का और मन कर गया, लेकिन मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो वहाँ पे ना और लोग बैठ के शराब पी रहे थे, तो मैंने उनकी बोतल उठाई और पी ली। तानी लोग मुझे क्यों मारने लग गए, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। फिर वो ठेके वाले ने मुझे धक्के मार के ठेके से बाहर निकाल दिया, फिर पता नहीं कैसे मैं झाड़ियों में गिर गया। वो तो सुबह जब कुत्तों ने मेरा मुँह चाटा तो मेरी आँख खुली, फिर जब मैं घर पहुँचा तो ये घर पर नहीं थी, दो घंटे धूप में खड़ा रहा मैं। फिर एक भाई साहब से मोबाइल लिया और उसे फोन किया मैंने। साले नशेड़ी, देख तेरी वजह से कितने लोग परेशान हुए हैं, शर्म नहीं आती तुझे? और ये तेरी बीवी बेचारी रात से पागलों की तरह ढूंढ रही तुझे। मैडम अगर आप कहो ना, उठा के साले को थाने में बंद कर देता हूँ, जब लट पड़ेंगे ना इस पे, शराब बराब पीना सब भूल जाएगा ये। हाँ हाँ सर ले जाओ इसे, कर दो थाने में बंद। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस बार इन्हें छोड़ दीजिए, मुझे पता है एक नंबर के नशेड़ी है ये, पर है तो मेरे पति ना, मुझे और मेरे बच्चों को सिर्फ इन्हीं का सहारा है। अगर अगली बार इन्होंने ऐसा कुछ करा ना तो मैं आपको खुद फोन करूंगी, फिर आपका जैसा मन करे वैसा करिएगा इनके साथ। भाई साहब इनकी वजह से आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे कोई बात ना भाभी जी, सुधर जा तू,